Chapter 5 Karma Yoga Action in Krishna Consciousness Hare Krishna Swagatam 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 Suswagatam 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 Antarashtra Krishna Bhavna Bhavitsan is Kaunkya Ose Prastapit Bhagavad Vani Srimad Bhagavad Gita 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के अनुष्ठान के पांचवें अध्याय पांचवें सत्र पांचवें दिन के इस अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का धर्म प्रेमियों का कथा प्रेमियों का सत्संग प्रेमियों का अतिथियों का आजीवन सदस्यों का श्रोताओं का सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद देव जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्य संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं, श्री श्री राधा गोविंद जी के परम अनुकंपा महति कृपा से अहेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का सु अवसर भी प्राप्त हो रहा है, और उन सेवाओं में इन मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह है सत्संग का श्रवण का कीर्तन का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गोविंद देव जी के उनके परिकर सहित के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है कृपामय है करुणामय है प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है नित्य वंदनीय स्मरणीय पूजनीय है उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखें कि सेवा के माध्यम से हम आपको गुरुदेव को प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है महत्वपूर्ण भगवान, और गीत का अर्थ होता है गाना। तो मैं तो कहता हूं ये सुंदर भगवान का गीत है, पर ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय में जीव जगत के लिए जो दया है करुणा है कृपा उबर उबर के उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताया जा रहा है। मानो भगवान कह रहे हैं मैं आप सब से प्यार करता हूँ, आप सब मुझसे रूठ कर अलग दुख क्लेश कष्ट को क्यों अनुभव कर रहे हो, आ घर लौट आ जा, मैं आपको मुझसे भी ज्यादा सुख, भगवान जो अपार अनंत सुख अनुभव करते हैं भगवान के तो उससे भी ज्यादा सुख मैं आपको दूंगा, आ घर लौट आ जा। भगवद गीता का यह पहला अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से दुर्योधन धृतराष्ट्र और अर्जुन अच्छे लोग भी परेशान है। अर्जुन का योजना है और वो भगवान के योजना से कुछ अलग होने के कारण वो परेशान है। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं पांडव हूँ, भगवान कहते हैं रुको रुको, दूसरे अध्याय में बताते आप पांडव नहीं आप आत्मा हो। अर्जुन पहले अध्याय में कहता है कि मैं रा दुश्मन कौरव है, भगवान कहते हैं नहीं नहीं दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, तीसरे अध्याय में बताता हूँ राम दुश्मन कौन है, काम एश क्रोध एश रज गुण समुद भवा महाशनो महापापमा विदेना बैरिना। भगवान अर्जुन कहते हैं पहले अध्याय में ये पांडव सेना मेरे अपने हैं, भगवान कहते हैं रुको रुको, चौथे अध्याय में बताता है बताते हैं कि गुरुजन अपने हैं, और आज के इस अध्याय में बताएंगे कि भगवान अपने हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्तिते ज्ञान ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। इस प्रकार से भगवान की योजना से अलग होने के कारण
अर्जुन भी, अर्जुन परेशान है, पर अर्जुन ने गुरु धारण किया, पर गुरु धारण करने से तुरंत उनकी परेशानी दूर नहीं होती, क्योंकि अब तक अर्जुन ने भगवान की योजना को स्वीकार नहीं किया। तो गुरु तो धारण करना है और तुरंत भगवान की योजना को, गुरु की योजना को अपने जीवन में धारण कर दे, एकदम से सब कुछ जो है प्रसन्नता का अनुभव होगा, परेशानी से दूर होंगे। ये भगवद गीता के 5वां अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है, और इस अध्याय को समझने के लिए हम जो है एक छोटा सा भूमिका के और प्रस्थान करते हैं। प्रभुपाद जी एक बंगाली कथन कहते हैं और कहते हैं कि जीवन में द्वंद्व आता है। हाँ, द्वंद्व आता है, धर्म संकट में पड़ जाते हैं हम लोग, मानो कि जाना है या नहीं जाना है ना, मानो या कि खाना या नहीं खाना है, कभी हो जाता है ऐसी परिस्थिति, तो क्या करना है। तो ऐसा बात है, तो कभी खाना नहीं चाहते, पर बंगाल में दिसंबर के महीने में सुबह सुबह इतना भूख लग जाता है, खाना या नहीं खाना है तो दिसंबर के महीने में जरूर खाना है। अच्छा, फिर भी द्वंद्व आता है, और एक प्रकार का द्वंद्व है, जाना है या नहीं जाना है, उन्होंने बुलाया प्यार से, जाना है या नहीं जाना है। तो ऐसा अगर द्वंद्व लग रहा है तो नहीं जाना चाहिए, पर अगर पेट गड़बड़ हो जाए, हाँ, तो फिर तुरंत चला जाना चाहिए, नहीं तो ना, लेने के देने पड़ जाएंगे, और तो जाना चाहिए। अच्छा, और एक द्वंद्व है, करना है या नहीं करना है, कोई कार्य है, अगर ऐसा द्वंद्व है तो नहीं करना चाहिए, पर अगर भगवान कृष्ण कहे कि करो तो कर लेना चाहिए। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आप लड़ो लड़ो युद्ध लड़ो, पर अर्जुन लड़ूं या नहीं लड़ूं सोचते जा रहे। तो आइए भगवद गीता के इस 5वें अध्याय के और गोता लगाते हैं, बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है, बड़ा सरल है ये 5वां अध्याय। आइए, अर्जुन दिव्य ज्ञान को सुनकर अब सोचता है कि मैं ज्ञान पढ़ाई करूं या लड़ाई करूं, तो भगवान कहते हैं लड़ाई करो। तो ये अर्जुन का प्रश्न यहाँ से आरंभ होता है, बड़ा सरल है। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को अर्जुन के प्रश्न से आरंभ करते हैं। भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म योग जो है वो लड़ाई सेवा जो है वो संन्यास जो है के बराबर है, और निष्काम कर्म योग से साधारण व्यक्ति भी बड़े बड़े बंधन से मुक्त हो जाता है, और फिर भगवान का कृपा प्राप्त करके वो अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। फिर सार देखा जाएगा, फिर प्रश्नोत्तर के और प्रस्थान करेंगे, और विलंब न करते हुए इस 5वें अध्याय का और गोता लगाते हैं और इसका रसपान करते हैं। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। आइए, अर्जुन वाच, अर्जुन का तो होता है सरल, सरल का तो होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। आध्यात्मिक स्तर में अगर देखा जाए, जो सोचता है वही कहता है, जो सोचता है वही करता है, और जो करता है वही कहता है, या जो कहता है वही करता है, और जो करता है वही सोचता है, तो वो जटिल नहीं होता है। आज संसार में लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, और करते कुछ हैं। सरल अर्जुन, संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं चासं शशी यक्ष्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रुवी सुनिश्चितम्। हे कृष्ण, 4वें अध्याय में ये दिव्य ज्ञान का बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। सारे यज्ञ का जो है सार क्या है, मन यज्ञ करते हैं मन पवित्र होने के लिए, मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, और दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो जो है वो भगवान का योजना समझ में आ जाता है, और भगवान का योजना समझ आता है तो हर स्थान परिस्थिति में हम प्रसन्न रहते हैं। पर दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य, पर अंत में कहता है अतिष्ठ उत्तिष्ठ परम तपा भारत। अरे, लड़ाई करने के लिए कह रहे हो, मैं पढ़ाई करूं या लड़ाई करूं, तो संन्यासम कर्मणम च कृष्ण, आप कहते हो कि
दिव्य ज्ञान प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, और वो सोचे कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए संन्यास लेना है, पर आप लड़ाई करने के लिए भी करो। मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है? एक होता है श्रेयस, एक होता है प्रेयस। श्रेयस यानी जो मेरे लिए अच्छा है, प्रेयस यानी कि जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे प्रेयस, मुझे तला हुआ चीज बहुत ही अच्छा लगता है, गर्म गर्म तला हुआ चीज, हाँ, फ्राइड आइटम्स, समोसा, पकोड़ा, हाँ, पर वो खाऊंगा बीमार पड़ जाऊंगा और मेरे लिए बहुत ही घातक होगा। पर श्रेयस क्या है? मैं उबाला हुआ चीज, फल इत्यादि खाऊं, वो थोड़ा भाता नहीं है, पर वो मुझे शरीर को स्फूर्तिदायक रखेगा और मुझे स्वस्थ अच्छा देगा। जो मेरे लिए अच्छा फल इत्यादि है, तो श्रेयस और प्रेयस दोनों है, पर मेरे लिए अच्छा क्या ये बताइए। मुझे तो संन्यास लेना अच्छा लग रहा है, पर आप बताइए मेरे लिए अच्छा क्या है। प्रभु यीशु निश्चितम, आप बताओ, निश्चित रूप से बताओ, अच्छी तरह से बताओ मेरे लिए क्या श्रेयस करे। अब भगवान अर्जुन से कहेंगे, श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, अर्थात व्यास मुनि फिर से कह रहे हैं श्री भगवान वाच, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कहने वाले हैं, कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, अर्थात हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई जा रहे हैं, अर्थात हमें एकटक होकर सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, इधर उधर के बातें ना करना चाहिए, इधर उधर के विचार नहीं करना चाहिए, इधर उधर के बातें ना सुनना चाहिए, एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करके सीट बेल्ट टाइट करके टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि सुंदर मत पूरा वाक्य ही नहीं, शब्द नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए, इससे हमारा जीवन सुंदर और महत्वपूर्ण बन जाएगा। संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस कारव उभ तयो तु कर्म संन्यासा कर्म योग विशेष्यते। दोनों अच्छा है, हम सेवा भगवान गुरु ने बताया वो सेवा और संन्यास दोनों मार्ग निःश्रेयस्कर वो मुक्ति को देता है, पर अर्जुन आपके लिए जो है गुरु ने बताया वो सेवा करोगे तो वो आपके लिए अच्छा है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ग्रंथ वितरण करो या पाश्चात्य देश जाके प्रचार करो, ग्रंथ आ, आ, का लेखन करो, तो गुरु कहते हैं वो करना, और यहाँ पे अर्जुन के लिए भगवान गुरु हैं और वो कहते हैं कि युद्ध कर, तो अर्जुन के लिए युद्ध करना श्रेयस्कर है। अर्जुन पूछता है, भगवान कहते हैं कि जो परमहंस, जो सन्यासी नारद मुनि जैसे, वो जिस प्रकार का सुख अनुभव करते हैं उसी प्रकार से निष्काम कर्म के मार्ग में बड़े चढ़े जनक महाराज भी अनुभव करते हैं, पर सन्यास जो है आपके लिए थोड़ा भयावर होगा। क्यों भयावर हो गया? ज्ञेय सा नित्य सन्यासी यो ना द्वेषति ना कांक्षति निर्द्वंद ही महाबाहो सुखम बंधवाता प्रमोच्यते। क्योंकि सन्यासी तब व्यक्ति को सन्यास लेना चाहिए जब मन पवित्र होता है, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है और किसी से बहुत ज्यादा लगाव नहीं करता है। आप तो दुर्योधन से बहुत ईर्ष्या कर नफरत करते हो और युधिष्ठिर से बहुत प्रेम करते हो, निर्द्वंद वे अच्छे बुरे जय विजय के परे होते हैं, पर आप तो जय होने से नाचते हो और जो है कुछ कमी होने से थोड़ा उदास हो जाते हो, इसलिए जो है ये मार्ग अब आपके लिए ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से संन्यास तब लिया जाता है, हाँ, तब लिया जाता है जब मन पवित्र होता है। कहने वाले बड़े सुंदर कहते हैं, जब नाम जपोगे कृष्णा मिटेगा मन का तृष्णा, कहो कृष्णा कृष्णा कृष्णा
मिटेगा मन का तृष्णा। तृष्णा का होता है मन, मन का तृष्णा यानी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, घर चाहिए बंगला चाहिए, आइसक्रीम चाहिए वो चाहिए, ये जो है भौतिक इच्छा है इसको तृष्णा। जब मन का सारा तृष्णा मिट जाता है तब संन्यास लेना चाहिए। और जब मन में अपवित्रता रहता है या मन पूरी तरह से पवित्र नहीं रहता है तब संन्यास लेंगे तो वो अपरिपक्व अवस्था में संन्यास लेंगे तो बहुत ही घातक होगा। केवल कपड़े बदलने से मन नहीं बदलता है, रावण ने भी संन्यास का कपड़ा पहना था, सीता का हरण किया, और तो और अर्जुन ने भी संन्यास का कपड़ा पहन के सुभद्रा का हरण किया था। मन बदलता नहीं है, अगर कपड़े बदलने से स्थान बदलने से मन बदलता तो बहुत अच्छा, पर ऐसा नहीं है। विश्वामित्र अपरिपक्व अवस्था में संन्यास लिया तो पायल का झनकार सुना तो अप्सरा से शादी कर लिया, और सौबरी ऋषि अपरिपक्व अवस्था में संन्यास लिया तो दो मछलियों को स्पर्श करते हुए देखा तो एक नहीं दो नहीं 50 मानदाता के कन्याओं से विवाह कर लिया। तो अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि आप अपरिपक्व अवस्था में जाओगे और फिर जंगल जाओगे, फिर बोले कि मुझे बीवी बच्चों का याद आ रहा है, मुझे जो है न्यूज़पेपर और नेटफ्लिक्स देखना याद आ रहा है, तो फिर आप संन्यास धर्म का जो है संन्यास धर्म के ऊपर कलंक हो जाओगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मन पवित्र नहीं किया जा सकता है। निष्काम कर्म योग के मार्ग में जैसे ययाति महाराज जितने बड़े लंपट थे वो मंगल आरती में बहुत कम आया करता था, हफ्ते में 2 या 3 बार। शादी किया एक नहीं दो, और अपने बीवियों से इतना आसक्त हुआ कि वो अपने बुढ़ापा को अपने बेटों को देख के अपने बीवियों के उस शरीर को स्पर्श करने लग गया। पर वो मंगल आरती में आता था, जन्माष्टमी में डोनेशन दिया करता था, रथ यात्रा में डोनेशन किया करता था, और भक्तों का सेवा करते 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 उनका मन जो है धीरे धीरे भक्तों का कृपा प्राप्त करते करते मन पवित्र होने लगा, चेतना उन्नत होने लगा, और दिव्य ज्ञान जैसे प्राप्त हुआ हजारों सालों के बाद। वो परमहंस जिस प्रकार का विचार रखता है उस प्रकार से उन्होंने विचार किया कि ये शरीर का आकर्षण बहुत ही तुच्छ है, निकृष्ट है, नगण्य है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, और भगवान में उनका मन लग गया तो परमहंस वो बन गया लंपट। हाँ, पर अर्जुन कह रहा है कि मैं सीधा संन्यास लेने जाऊंगा। जैसे एक छोटा बच्चा 5वीं क्लास में है वो बोलता है कि नहीं होमवर्क कौन करेगा भैया, होमवर्क करने से झंझट, सीधा जो है हम जो है पीएचडी में जाते हैं। तो पीएचडी में जा तो सकता है, पर पीएचडी में जाएगा तो ना तो पीएचडी का 12th का पढ़ाई नहीं हुआ, ग्रेजुएशन का शिक्षा नहीं है, पीएचडी का बात समझेगा नहीं, ना तो वो 5वीं पास करेगा ना पीएचडी पास करेगा। लगभग इसी प्रकार के अर्जुन कह रहा है कि होमवर्क मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को मारूं, इससे तो अच्छा मैं जंगल में जाके दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता हूं। तो होमवर्क जिस प्रकार से उस बच्चे के लिए बहुत दुखदायी था, दुर्योधन और द्रोणाचार्य भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को मारना दुखदायी लग रहा था, इसलिए वो सोच रहा था कि चलो भाई मैं संन्यास ले लेता हूँ। पर भगवान कहते हैं नहीं, आप युद्ध करो, आप जब युद्ध करोगे आपसे जो तीर चलेगा उससे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को लाभ मिलेगा, आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, इससे हानि नहीं होगा, और धीरे धीरे मन पवित्र होगा, और जो सुख नारद मुनि संन्यास आश्रम में अनुभव करे वो भी गृहस्थ होते हुए आप परमहंस के स्तर पे आके आनंद अनुभव करोगे, जैसे जनक महाराज। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि आस्तितः सम्याग उभयोर्विन्दते फलम्। जो कहता है कि सांख्य योग यानी कि संन्यास योग और ये निष्काम कर्म योग जो है पृथक है, ये संन्यास और अलग है, वो जो है ना पंडित, वो पृथक बाला, वो उसका विचार निकृष्ट है, बच्चा जैसा है, ऐसे बातें पंडित नहीं करते हैं। जैसे नारद मुनि जिस प्रकार का परम सन्यासी जो
सुख अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार का जनक महाराज निष्काम कर्म योग में वो रोज मंगल आरती आते हुए वो जनकपुर और सीतामढ़ी के लोगों को प्रोत्साहित करके वो उसी प्रकार का सुख अनुभव कर रहा है। पर अर्जुन के लिए क्या मैं संन्यास नहीं लूं? तो संन्यास लेना चाहिए, पर भगवान मना नहीं कर रहे हैं। आपको मन को पवित्र करके परमहंस के स्तर पर जाओ, इसमें मना नहीं है। पर तुरंत अभी आप जाओगे संन्यास के लिए, ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि यत सांख्ये प्राप्ते स्थानं तद्योगिर अपि गम्यति एकं सांख्य च योगं च यः पश्यति स पश्यति। तो संन्यास तो लेना चाहिए, उसमें मना नहीं है, पर अभी अर्जुन के लिए ये ठीक नहीं है। पर जो कहता है कि सांख्य योग और निष्काम कर्म योग जो का फल एक होता है, वो वास्तव में सही देख रहा है। इसलिए अर्जुन संन्यास ना लेते हुए कौन से मार्ग में जाए? निष्काम कर्म योग में। क्योंकि निष्काम कर्म का मार्ग जो है, जैसे बच्चा अगर पढ़ाई करते रहेगा केजी क्लास से फर्स्ट से फिफ्थ स्टैंडर्ड, फिर 10th स्टैंडर्ड, फिर 12th स्टैंडर्ड, फिर ग्रेजुएशन 15th स्टैंडर्ड, फिर 17th स्टैंडर्ड, 20th, एक दिन पीएचडी कर लेगा। पर वो केजी क्लास का बच्चा सीधा पीएचडी में जाएगा तो फिर घातक होगा। तो लगे रहेंगे तो सेवा करते रहेंगे, वैष्णव सेवा करते रहेंगे। इससे करते करते प्रभुपाद जी ने हिप्पी को हैप्पी बनाया, रूसी को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया, जापानीज को जपा में लगा और दुखियों को सुखी बना दिया। ये बहुत ही शक्तिशाली मार्ग है, गारंटीड है। लगे रहेंगे तो कृपा कृपा मिलते मिलते मन पवित्र हो जाएगा। संन्यास तु महाभावो दुःखम् आप्तुम् अयोग्यता योग युक्त मुनिर् ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। पर संन्यास का मार्ग बड़ा दुखदायी है, अपरिपक्व अवस्था में दुखदायी है। अगर किसी के मन में बहुत सारे तृष्णा है, भौतिक इच्छा है और उस संन्यास का कपड़ा पहन लिया, बार ही बार ढोंग रचेगा कि मैं विरक्त तो हूँ, हाँ संत तो हूँ, मुझे संसार से कुछ लेना देना है, पर अंदर ही अंदर हाँ घर जाने का मन करता है, बीवी को स्पर्श करने का मन करता है, नेटफ्लिक्स देखने का मन करता है। वो नेटफ्लिक्स देखने के चक्कर में नेट में ही फिक्स हो जाएगा, चक्कर में फट जाएगी। तो इस प्रकार से, क्योंकि सन्यासी के पास भी इंद्रियां होते हैं और मन है, और वो मन और इंद्रियां अगर भगवान में नहीं लग रहा है तो भौतिक चीजों में लगेगा। इसलिए अपरिपक्व अवस्था में नहीं जाना चाहिए। पर लंपट व्यक्ति ययाति महाराज जैसे भी, वो क्या है, परमहंस के स्तर को प्राप्त कर लिया, तो क्यों नहीं इसे आजमा जाए। यहाँ तक कि अजामिल वो इस मार्ग में रहते हुए वो लंपट था, वो काम वासना से पूर्ण था, पर वो जो है वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। दीति के अंदर बहुत क्रोध था, पर 1 साल कश्यप मुनि के कहने से भक्ति योग में लगा तो वो इंद्र से प्रेम करने लगा। चित्रकेतु एक पुत्र प्राप्त करने के लिए एक शादी नहीं, 10 शादी नहीं, 10 हजार, 100 शादी नहीं, 1,000 नहीं, 10 हजार नहीं, 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 1 करोड़ शादी किया एक पुत्र प्राप्त करने के लिए। पर नारद मुनि की शिक्षा जब प्राप्त किया तो सब त्याग करके बहुत बड़े विरक्त हो गए। तो इस प्रकार से संन्यास का मार्ग पवित्र हृदय वालों के लिए, पर मन में कल्मष है, काम क्रोध लोभ है, तो धीरे धीरे सेवा करते करते उसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण आप कह रहे हो कि निष्काम कर्म योग के मार्ग से परमहंस का स्तर प्राप्त कर सकते हैं, जनक महाराज ने क्या, ययाति महाराज ने क्या बार बार कह रहे हो कि ये ठीक है, तो मुझे बताए इसके कुछ लक्षण। बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वाना पीना लिप्यते। उस प्रकार से जनक महाराज प्रभुपाद वो भक्ति विनोद ठाकुर वो शुद्ध आत्मा होते हैं, उनका मन पवित्र होता है, उनका मन हमेशा भगवान में लगता रहता है, और उनके मन और इंद्रिय जो वो जो है मन जो है संयमित रहता है, जित आत्मा भगवान में लगता रहता है, और उनके इंद्रिया वश में होते हैं, और वो सबके लिए प्रीति
प्रिय होते हैं और सभी उनके लिए प्यार होते हैं। वो जानते हैं हम सब भाई भाई हैं, चाहे हम सब जो है भगवान के अंश हैं, भगवान के संतान हैं। जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं, आई एम सन ऑफ गॉड। तो वो जानते हैं मैं भगवान का पुत्र हूँ। हम सब जो है भगवान के संतान हैं, भाई बहन हैं और सबसे प्रेम करते हैं। यद्यपि वो काम करते रहते हैं, यद्यपि वो कार्य करते रहते हैं, पर जो भी करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। यद्यपि पर वो भगवान की सेवा में लगने के कारण वो भव बंधन में फंसता नहीं है। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यत तत्सवे पश्यान् श्रृण्वान् स्पर्शान् जाग्रान् स्नान गच्छान् स्वपन् स्वसः। इस प्रकार से वो जो है वो जानता है कि भगवान ने मुझे ये शरीर दिया है और इस शरीर में भगवान की सेवा में लगाऊंगा। आंख से मैं जो भी यद्यपि मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। और मैं सुन रहा हूँ, स्पर्श कर रहा हूँ और खा रहा हूँ, चल रहा हूँ, सो रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, ये सब हो रहा है भगवान की कृपा से। और मुझे ये सब भगवान की सेवा में लगाना है। प्रलापा विसृजन गृहानान अन्निशम निमिषम अपि इंद्रिया नि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्त इति धारयाम। इस प्रकार से वो जानते हैं कि मैं खा रहा हूँ, फिर पचा रहा हूँ और मल मूत्र त्याग रहा हूँ, आंख से कुछ देख रहा हूँ, आंख को बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, ये सब जो है, ये सब जब हो रहा है, ये सब जो है शरीर है से के द्वारा हो रहा है, इंद्रिय इंद्रिय वस्तु के साथ आदान प्रदान कर रहा है। पर मैं ना तो शरीर हूं, ना तो इंद्रिय हूं, ना इंद्रिय का वस्तु हूं। मैं शरीर में रहने वाला आत्मा हूं। मैं नौ द्वार में रहने वाला क्या हूँ, एक आत्मा हूँ। नौ द्वार के इस शहर में रहने वाला आत्मा हूँ। नौ द्वार क्या है, दो आंख, दो नसिका का छिद्र, दो कान के छिद्र, ठीक है, छह हो गया, मुंह सात और नीचे उधर उपस्थित। तो इस प्रकार से वो जानता है, जैसे कार में कोई व्यक्ति बैठा है, वो जानता है मैं कार नहीं हूं, है ना, मैं कार में बैठा हूं, चल क्या रहा है, कार। तो इस प्रकार से कार आवाज कर रहे हैं, पौं पौं। हाँ, इस प्रकार से गाड़ी मुड़ रहा है, मैं मुड़ नहीं रहा हूँ, गाड़ी मुड़ रहा। तो इस प्रकार से वो जानता है मैं गाड़ी नहीं हूँ। वो इस प्रकार से मैं गाड़ी में रहने वाला ड्राइवर हूँ। इस प्रकार से मैं शरीर में हूँ, मैं शरीर में रहने वाला आत्मा हूँ। इस प्रकार से उनको बोध होता है मैं शहर नहीं हूँ, ये शहर में रहने वाला एक एक नागरिक हूँ। ब्रह्मणि अदाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः, लिप्यते न सा पापी न पद्म पत्र इवाम्बसा। वो संसार में रहता है पर वो संसार उनसे संसार में वो संसार में रहता है पर संसार उसके अंदर नहीं रहता है। जैसे वो संसार में रहता है, इस प्रकार से वो हर कार्य करता है पर कार्य करते हुए भी कार्य का फल भगवान को अर्पण करता है। वो जानता है ये लैपटॉप है, ये भगवान का है, भगवान के सेवा, ये शरीर भगवान का है, भगवान का सेवा में, मेरे सगे संबंधी मैं और भगवान का हूँ, मेरा शरीर भगवान का है, मेरे सगे संबंधी हम सब भगवान के हैं और भगवान की सेवा में लगाता रहता है। इस प्रकार से जैसे जनक महाराज प्रभुपाद जी ने किया है, और उस इस प्रकार से वो संसार में रहता है पर संसार उनके अंदर नहीं रहता। जैसे एक उदाहरण देते हैं भक्त लोग, जैसे पानी में नौका है, पानी में नौका ये ठीक है पर नौके में पानी बड़ा खतरनाक है ना। तो इस प्रकार वो संसार में रहता है पर संसार उनके अंदर नहीं रहता। बोला उसका कमीज मेरे कमीज, अरे उनका बेटी ने ऐसा क्यों बोला, अरे उसने ऐसा क्यों कहा, नहीं, इस सबसे परे रहता है। तो इस प्रकार से एक पद्म पत्र इंबसा, जैसे कमल का जो पत्ता होता है वो पानी में होता है पर पानी में घुल मिल नहीं जाता है। अगर कागज का पत्ता होगा, थोड़ी देर कागज में रहेगा पानी में और फिर घुल मिल जाता है,
लोहे का पत्ता होगा, पूरा पानी में डूब जाएगा, सालों के बाद सड़ जाएगा। पर कमल का पत्ता पानी में रहता है, पर पानी में घुल मिल नहीं जाता। इस प्रकार से वो संसार में रहता है, पर संसार में घुलता मिलता नहीं है। ये एक कला है, वो भक्ति करने से प्राप्त होता है। और ये भक्ति आसान है। प्रभुपाद जी ने कहा, नाचो गावो प्रसाद पाओ और दुखी से सुखी हो जाओ। हाँ, चैंटिंग डांसिंग एंड फीस्टिंग। काये न मनसा बुद्धया केवले इंद्रिये अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मा शुद्ध ये। वो मन से, शरीर से, बुद्धि से और इंद्रियों से वो अपने आप को शुद्ध करता जाता है। वो जीता है शरीर को पवित्र करने के लिए, का मन को पवित्र करने के लिए और बुद्धि को पवित्र करने के लिए। वो अपने आप को बचाता है भौतिक चीजों से, अपने आप को दूर रखता है भौतिक संगति से, दूर रखता है और आध्यात्मिक संगति की ओर बढ़ता रहता है। बहुत संभल संभल के रहता है। युक्त कर्म फलम त्यक्ता शांतिम आपनोति नैस्तिकीम आयुक्त कामा कारे न फले सक्ता निबध्यते। वो शुद्ध भक्त जनक महाराज जैसे, उनके लक्षण के बारे में भगवान कहता है। अर्जुन ने पूछा तो उसके वर्णन कर रहे हैं। वो जो भी कार्य करता है वो भगवान को अर्पण करता है और भगवान से इस प्रकार से प्रेम करता है जैसे संसार में प्रेमी प्रेमिका से प्रेम करता है, जैसे रोमियो जूलियट से प्रेम करता है, हीर रांझा से प्रेम करता है, लैला मजनू से प्रेम करता है। ये सब जो है सब उसी प्रकार से वो भगवान से प्रेम करते रहते हैं। वो जो भी करता है भगवान के लिए करता है और जो भी प्राप्त होता है श्रेय भगवान को देता है। और इस प्रकार से वो दिव्य आनंद का अनुभव करता रहता है। वो मेहनत करता है भगवान के लिए, जैसे लैपटॉप चल रहा है, माइक चल रहा है, वो जो भी है भगवान का समझ के भगवान की सेवा में लगा देता है। इसके कहते हैं युक्त वैराग्य। सर्व कर्माणि मनसा संन्यास अस्ते सुखम वसी नव द्वारे पुरे देहि नैवा कुर्वाणा कारयाम। और इस प्रकार से यद्यपि वो संसार में रहता है पर वो संसार से परे रहता है, जैसे कमल का पत्र। संत संसार में है पर संसार अपने मन में नहीं रखते, मन से वो विरक्त हो जाते हैं, मन से उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं है। इस प्रकार से ये नौ द्वार के शहर में वो बड़े शांति के साथ रहता है। ये शांति क्यों प्राप्त होता है ये आगे बताया जाएगा। बड़ा सुंदर तरीके से भक्त जो है, जो निष्काम कर्म योग मार्ग में जनक महाराज जैसे, वे परम सुख का अनुभव करते हैं, इन लक्षणों को बताते हैं। ना कर्तृत्वं ना कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभो ना कर्म फला संयोगम स्वभावतु प्रवर्तते। इस प्रकार से वो नौ द्वार के शहर में रहता है पर वो जानते हैं मैं शहर नहीं, मैं यह शरीर नहीं हूं। वो इस प्रकार से जीता है, वो ना कोई भौतिक कार्य करता है ना दूसरों को भौतिक कार्य में लगाता है।
और भौतिक कार्य का फल भी उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि ये तीनों गुणों के परे होते हैं। जैसे जेल में कैदी को हथकड़ी, पांव कड़ी और गले का कड़ी लगाया जाता है, इसी प्रकार से इस संसार में बद्ध जीव को जो है सुधारने के लिए रजगुण, तमगुण और सतगुण से बांधा जाता है, तीन पास से बांधा जाता है। रजगुण, तमगुण, सतगुण यानी कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, सतगुण। पर जेल में कैदी अगर बहुत ईमानदार हो जाता है और सरकार के नियमों को पालन करने लग जाता है, तो जेलर धीरे धीरे उस कैदी का हथकड़ी, पांव कड़ी और गले की कड़ी खोल देता है। वो जेल में रहता है पर अन्य कैदियों की तरह हथकड़ी, पांव कड़ी और गले की कड़ी में नहीं रहता। इसी प्रकार से जो भगवान के नियमों को पालन करने लग जाता है, तो दुर्गा देवी उनके सतगुण, रजगुण और तमगुण से परे कर देते हैं। वो संसार में रहता है पर मुक्त आत्मा की तरह रहता है। वो जेल में वो कैदी रहता है पर अन्य कैदियों की तरह नहीं रहता है। वो जेलर से कभी बात करता है, जेलर उन्हें अपने कैबिन में बुलाता है। और एक दिन आता है 15 अगस्त या जनवरी 26, मंत्री, प्रधानमंत्री को बोल के उसके रिहा कर देता है। इसी प्रकार से शुद्ध भक्त संसार में रहते हैं पर वो मुक्त आत्मा की तरह भ्रमण करते हैं। तो तीनों गुणों के द्वारा ये संसार में जो भी कार्य लोग करते हैं, शुद्ध भक्त दो तीनों गुणों के परे होते हैं, और इसीलिए वो मुक्त आत्मा के, विमुक्त आत्मा के तरह घूमते रहते हैं। संसार में लोग कार्य करते हैं, हाँ, और वो कार्य जो है तीनों गुणों के द्वारा उन्हें बाधित किया जाता है। कोई पढ़ाई कर रहा है क्योंकि वो सतोगुण में, कोई लड़ाई कर रहा है क्योंकि वो तमोगुण में है। तो अर्जुन का प्रश्न होता है, अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो सतोगुण और तमोगुण, और कोई पैसा कमा रहा है तो रजोगुण में, पर ये तीनों गुण जो है भगवान के हाथ में है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो भगवान को तो श्रेय मिलना चाहिए, अगर कुछ बुरा करता है तो दोष भी भगवान को लगना चाहिए। भगवान कहते हैं नहीं, ये ऐसा हो गया जैसे स्कूल में बच्चे हैं, हाँ, कोई बच्चा अच्छा पढ़ाई कर लिया तो प्रिंसिपल को पुरस्कार मिलेगा? नहीं। अच्छा, कोई नटखट पालक बहुत बदमाशी करता है तो क्या इसका सजा प्रिंसिपल को? नहीं, प्रिंसिपल ने तो स्कूल बनाया कि सब सब अच्छी तरह से पढ़ लिख, इसी प्रकार से भगवान ने संसार बनाया, सब अच्छी तरह से जो है अपना आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करें, तो भगवान को दोष नहीं लगता है। ये उस विद्यार्थी का स्वतंत्रता का सदुपयोग करे तो अच्छा पढ़ाई करके श्रेय प्राप्त करता है, अगर वो दुरुपयोग करता है, बदमाशी करता है तो वो तो प्रिंसिपल का, इसी प्रकार से भगवान कहते हैं मेरा दोष नहीं है। वो बद्ध जीव का जो 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 थोड़ा सा जो इंडिपेंडेंस है उसका दुरुपयोग करने के कारण ऐसा होता है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस का, किंचित मात्र स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से वो कष्ट का अनुभव करता है, बुरा कार्य करता है और सदुपयोग करता है तो वो भक्त बनता है। न दत्ते कश्चित पापम, भगवान को पाप नहीं लगेगा। न दत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभो, अज्ञाने नावृत ज्ञानम तेना मुह्यन्ति जन्तवा। वो बद्ध जीव जो है अपने जो है किंचित मात्र जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग कारण करने के लिए वो कुछ गलत काम करता है, पाप करता है, और तमगुण के द्वारा वो कोई गलत काम करता है, वो दंड का, भगवान इसका दोषी नहीं है। भगवान किसी के पाप और पुण्य का कारण नहीं है। ये बद्ध जीव अपने अज्ञान के कारण कोई सही या गलत काम करता है। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषां नासितम आत्मन तेषां अदित्यवज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम।
हे कृष्ण, क्या जीव हमेशा अंधकार में रहेगा? नहीं अर्जुन, नहीं। अगर वो भक्ति करेगा, जिस प्रकार से अजामिल अंधकार से बाहर आया, दीति बाहर आ गया, चित्रकेतु अज्ञान से बाहर आ गए, जैसे हिप्पी हैप्पी हो गए, रूसी ऋषि हो गए, चीनी मुनि हो गए, जापानी जपा में लग गए, क्योंकि लोग सुखी हो गए। इसी प्रकार से अगर कोई गुरु धारण करके भक्ति कर लेता है, वो तुरंत अज्ञान से पार होकर वो ज्ञानी बन सकता है। जिस प्रकार से अंधकार रात का सूर्य आने से पूरा अंधकार गायब हो जाता है, इसी प्रकार से वो अंधकार ये नहीं कहते कि नहीं, 12 घंटे से हम लोग यहाँ पे थे, सूर्य का किरण आ गया तो क्या उसका चलेगा? नहीं, जैसे कोई कमरा 100 साल से बंद है और किसी ने दरवाजा खोला, अंधकार है, और तुरंत उन्होंने दिया सलाई माचिस या बल्ब ऑन किया, तो अंधकार ये नहीं कह रहे पिछले 100 साल से हम लोग यहाँ पे है, हमारा अधिकार है, लाइट चलाए तो क्या हो गया, हमारा 100 साल का मेहनत बेकार में जाएगा? नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे ही एक तत्वदर्शी गुरु का प्रामाणिक रूप से सेवा करने लग जाए सच्चे हृदय से, तुरंत सारा ज्ञान दूर हो जाएगा। जैसे रत्नाकर डाकू, जैसे जो है वाल्मीकि बन गए, जैसे वो सिपाही जो है बहुत क्रूर मार रहा था वो बेरहमी से पशुओं को मार रहा था, मृग आरी मृगों का दुश्मन, पर वो शुद्ध आत्मा बन गया। तद्बुद्धया तु तद्बुद्धया तद आत्मना तन्निष्ठा तन परायणा गच्छन्ति अपूर्णावृतम् ज्ञाननिर्तुत कल्मषा। शुद्ध भक्तों का और लक्षण बताया जा रहा है। अर्जुन बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है कि निष्काम कर्म मार्ग से शुद्ध होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से वो भक्त अपने मन बुद्धि श्रद्धा के साथ भगवान के सेवा में लग जाता है और वो अपने आप को बचाता है गलत संग से, और भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं में हमेशा सेवा में लगा रहता है। मन से भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण करता रहता है और शरीर से सेवा करते हैं और संसार में घूमते फिरते रहते हैं। और इस प्रकार से वो इस संसार में हर चीज को देखता है और देखता है ये भगवान से संबंधित है। हवा भगवान का है, पानी भगवान का है, पृथ्वी भगवान का है, हर चीज। जैसे एक प्रेमी को प्रेमिका से मन लग जाता है, प्रेम हो जाता है, तो हर जगह पे अपने प्रेमिका को देखते हैं। इसी प्रकार से विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गृहस्थिनी सुनी चैव स्वपाके चा पंडिता समादर्शिना। इस प्रकार से वो ज्ञान से परिपक्व हो जाता है और विनम्र हो जाता है। विद्या, वो जानता है भगवान महान है, विभू है, सद ऐश्वर्य से पूर्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, वो दिव्य है, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है। मैं सच्चिदानंद नगण्य तुच्छ हूँ, बाल का कृपा, विनम्र हो जाता है। मैं अगर बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कर रहा हूँ, भगवान की कृपा से, मैं तो कुछ नहीं हूँ, भगवान की कृपा से कुछ हो रहा है, इसलिए वो विनम्र हो जाता है। अच्छा भक्त ने सुंदर बात बताया, वो ज्ञान अगर हमें अहंकार के ओर लेकर जाता है, वो ज्ञान, वो विद्या हमें अहंकार के ओर लेकर जाता है, वो ज्ञान अहंकार के ओर लेता है, वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। पर वो ज्ञान जो हमें विनम्र बनाता है, वो ज्ञान नहीं विज्ञान है। इसीलिए विद्या जो है उनका संपत्ति है जो विनम्र होते हैं। वो ब्राह्मण को देखता है, गाय को देखता है, हाथी को देखता है, और सुनिचे वो कुत्ते को देखता है, कुत्ते खाने वाले को देखता है, पर सबको देखता है। ये सब शरीर अलग है पर इसके अंदर आत्मा है जो भगवान का अंश है।
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहास्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वो जानता है ये ब्राह्मण का शरीर धारण किया ये आत्मा, क्योंकि अपने अपने किंचित मात्र जो स्वतंत्रता का सदुपयोग किया ये हाथी के शरीर में है, क्योंकि स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। ये गाय का शरीर प्राप्त क्योंकि स्वतंत्रता का सदुपयोग किया। कुत्ते का शरीर प्राप्त किया क्योंकि स्वतंत्रता का दुरुपयोग। सबको हृदय से प्रणाम करते हैं क्योंकि आत्मा के साथ परमात्मा को देख रहे हैं, सब जो है भगवान के अंश हैं। तो इस प्रकार से विनम्रता के साथ समदर्शी होते हैं। पर वो ब्राह्मण का मन से सबको प्रणाम और प्रभु से प्रेम और सबका शुभ चिंतक करते हैं, पर शरीर से ब्राह्मण का सेवा करते हैं, गाय का सेवा करते हैं, हाथी से थोड़ा दूरी रखते हैं, कुत्ते से बहुत दूरी रखते हैं, और कुत्ते खाने वाले। ये भेद होता है नहीं, भेद जो है व्यवहार में है, पर विचार में सबसे प्रेम, ये व्यवहारिक है। मानो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करे, ब्राह्मण को गला लगाए और उनको खिलाए, और शेर आ जाए आप भी भगवान के अंश गले लगाए, ब्राह्मण को बोलते हैं आप भगवान का अच्छा भक्त बनो, और शेर को बोलते हैं आप भी भगवान का अच्छा भक्त बनो, तो शेर भी बोलेगा ठीक है मैं अच्छा भक्त बन जाता हूँ, और वो तुलसी पत्ता लेके आता है और उसके सर पे लगाएगा, मैं अच्छा भक्त बन गया, जो भी कहता हूँ भोग लगा के कहता हूँ, फिर बोलते हैं महाप्रसाद है गोविंदे। तो वो शेर से भी प्रेम करेगा पर दूर से, और इसी प्रकार से जीव जगत के हर जीव से प्रेम करता है। हमारे कृष्ण भाई मुसलमान भाई से हम प्रेम करते हैं, भाई बहनों से प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि वो सब शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें, अच्छे भक्त बने और भक्ति में लगे रहें। पर व्यवहार में हम थोड़ा दूरी रखते हैं क्योंकि अभी वो उनका जो है विचार तालमेल थोड़ा सा गुस्से में, इसलिए दूरी रखते हैं, पर प्रेम मन से सबसे करते हैं। इस प्रकार से जो है शुद्ध भक्तों का सुंदर लक्षण को सुनकर अर्जुन का मन गदगद हो रहा है। इहा एव ते जीत सर्गो एषां समये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। इस प्रकार से वो सब कुछ भगवान का, मैं भगवान का हूँ, मेरा शरीर भगवान का है, जो कुछ भी दिख रहा है अनुभव हो रहा है सुन रहा हूँ वो सब भगवान का समझ के वो भगवान के सेवा में लगाता रहता है। और इस प्रकार से संसार में रहते हैं पर संसार के जो है कष्ट से वो परे हो जाते हैं। जैसे जेल में वो कैदी है पर जेलर उसको दंड नहीं देता है क्योंकि वो सुधर गया, इस प्रकार से वो संसार में रहते हैं। इस प्रकार से उन व्यवहार करते हैं कृष्ण, तो उनका व्यवहार का वर्णन बड़ा अद्भुत। ना प्राहिष्यत प्रियं प्राप्य नो द्विज जेत प्राप्य चा अप्रियं स्थिर बुद्धिर असमुदो ब्रह्मविद ब्रह्मनि स्थितः। अगर उनको कुछ अच्छा मिल गया तो वो बले बले नाचते हैं, कुछ चला गया तो दुखी नहीं होता है। जैसे बैंक का मैं कैशियर होता है, बड़ा सटीक उदाहरण है, बड़ा अच्छा दृष्टांत है समझ लो, तो पैसा आ गया तो नाचते हैं बल्ले 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 बल्ले, और कोई पैसा लेके जाता है ए क्या हुआ कैसे हुआ, नहीं वो जानता है ये पैसा बैंक के लिया, बैंक में दिया जा रहा है, बैंक में रख देता है और बैंक से लिया जा रहा है। इसमें कैशियर को कोई इसी प्रकार से जीव जो है, अगर उनको बंगला मिल गया तो अच्छी बात है, उन्हें कुटिया में डाल दिया। तो वो इस संसार में दो चीज होता है, मन जो चाह होता है या मन जो चाह ना होता है। मान लो मन जो चाह वो हो जाए तो वो सत्य भगवान का कृपा, और मन जो चाह ना हो तो वो भगवान का इच्छा, और वो जानते हैं भगवान का इच्छा हमारे इच्छा से लाखों गुना अच्छा। जैसे पर संसार के लोग मन जो चाह हो तो नाचते, मैं पैसा मिल गया पैसा मिल, और कुछ हो गया तो बहुत दुखी हो जाता है ना ये क्या हुआ। पर भगवान के भक्त जानते हैं भगवान परम नियंता है, जो भी होता है भगवान के आज्ञा से होता है, और वो भगवान की योजना के अनुसार होता है, और वो भगवान की योजना को समझ लेते हैं और सोचते हैं यही भगवान का इच्छा है,
और उसे स्वीकार कर लेते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को बहुत मारा जा रहा था, उसे भगवान का इच्छा है, वो भगवान से कंप्लेन नहीं करते हैं। बाह्य स्पर्श ए बाह्य स्पर्श एव सा असक्त आत्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम आस्नुते। इस प्रकार से वो शुद्ध आत्मा जो है वो जानता है अब मेरा संसार छोड़ के चलने का समय नजदीक आ रहा है, भगवान से मिलने का समय आ रहा है। अंदर अंदर प्रसन्न रहता है और संसार के कोई भी कार्य में अपने आप को लगाता नहीं, उसका मन लगता ही नहीं है। और भगवान का दिव्य नाम रूप गुल्ला में प्रविष्ट होता रहता है। जैसे वो कैदी जो सुधर गया है, वो अन्य कैदियों के साथ जो लोग मारपीट करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनसे दूर रहते हैं। वो जानता है इनका संग करूंगा मैं फिर से फंस जाऊंगा। ये मन अनादि जन्मों के बाद जो है साधन करके बस में आया है। जैसे दूसरे अध्याय में वो कुर्म का वर्णन आता है, जो कछुआ खतरे आने पर क्या करता है, अपना मुंह पूंछ दो हाथ और दो पांव को समेट लेता है, खतरा से बचाता है। इसी प्रकार से भक्त जो है जानता है कि ये मन जो है, जैसे भागवत में वर्णन आता है एक शिकारी का, वो कैसे शिकार को जाल में लेता है, पर वो जानते थोड़ा सा भी नजर हटी दुर्घटना घटी, थोड़ा सा भी असावधानी क्या तो वो खरगोश हो या पंछी हो वो जाल से भाग जाएगा। ऐसा नहीं कि वो बोलेगा ये। इसी प्रकार से मन जो है वो साधन करने के बाद साधना के जाल में आ गया है, वो जानता है थोड़ा सा भी नजर हटी दुर्घटना घटी मन फिर से विचलित हो जाएगा। इसी प्रकार से वो साधना में जो आनंद लेता है, रसो अपसी रसो वो जो है रसम अपसी रसो अपसी में परम दृष्टि निवर्तन्ते, वो साधन में आनंद को प्राप्त करता है। और वो कहता है कि इस संसार का चमक दमक जो मंगल आरती में जो आनंद आता है उसके सामने तुच्छ है, नगण्य, निकृष्ट है। और इस प्रकार से सब कुछ सहन करता है और अपने आप को भक्ति में लगाता है। वो जानता है थोड़ा सा भी अगर मैं नेटफ्लिक्स देखूं, थोड़ा सा भी संसार की चीजों को देखूं, मन फिर से विचलित हो सकता है, ये दुख का कारण है। यही संस्पर्श च भोगा दुख यो न एवते आदि अंतवंतु कौन्तेय नाते रमते सुबुद्धा। वो अपने आप को, ये खुजली है पर वो खुजली को सहन करता है, क्योंकि वो जानता है खुजली तो है पर इसे खुजलूंगा, शुरू में अच्छा लगेगा पर और खुजलते रहूंगा और अच्छा लगेगा, पर थोड़ी देर में वो खुजली जो है घाव बन जाएगा, दर्द करेगा। यही संस्पर्श च भोगा दुख यो न एवते आदि अंतवंत रमय आदि अंतवंत तो कौन थे नाते रमतेशु बुद्धा। बुद्धिमान जो है जीव इन सब से दूर रहते, वो साधक अपने आप को दूर रखता है। एक बार एक सेवक बहुत ईमानदारी से सेवा करता था, पर सेठ जी के लिए सालों साल सेवा किया। सेठ जी ने नया कुर्सी लाया और नया टेलीविजन एलईडी का लाया, पुराना फेंक दिया। तो पहली बार उन्होंने सीट में बैठा और एलईडी थोड़ा सा देखा, इतने में सेठ जी बाहर से अंदर आए क्योंकि मोबाइल गुम गया था, पर देखा कि अरे मेरा नौकर मेरे गैरहाजिरी में टीवी देखता मजा ले रहा है, तो डंडा लिया, मार 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 रहे। बोला सरकार मैं ऐसा नहीं करता हूँ, क्षमा करो मैं ऐसा नहीं करता हूँ, स्वामी जी ऐसा मत करो, मारो मत मारो, बहुत मारता है। फिर तो थोड़ी देर में वो हंसने लगा, भक्त स्वभाव का था, हंसने लगा, बोला और मार रहा है और हंस रहे और मार रहा है और हंस रहे। बोले मूर्ख कहीं के, मैं मार रहा हूं तुम्हें रोना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, गलती का एहसास होना। बोला हंस क्यों रहे हो? तो कहा स्वामी मैं 2 मिनट सच बात करता हूँ, मैं 2 मिनट कुर्सी में बैठा, नेटफ्लिक्स क्या देखा, एलईडी में मेरा इतना पिटाई, मैं सोच रहा हूँ पिछले 40 साल से आप पूरे बंगले को भोग रहे हो, आपको कितना पिटाई होगा। तो इस प्रकार से वो जानता है भोग रोग का कारण है और अपने आप को इस खुजली से बचा के रखता है, सहन कर लेता है, इसमें लगता नहीं है।
कृष्ण इस संसार में भोग है और अपने आप को भोग से बचा के रखना है। कब तक? जब तक जीवो तब तक सहो। जो सहेगा वो खुश रहेगा और जो नहीं सहेगा वो दुखी रहेगा। सुखनोत है एव यशोदम प्राक शरीर विमोक्षनाथ कामातो भवम वेगम सायुक्ता सा सुखी नरः। इस प्रकार से वो व्यक्ति जब तक शरीर में रहता है, जब तक शरीर नहीं छूटता है, तब तक सब चीज को भोगता है, सब चीज को सहन करता है। जैसे एक व्यक्ति 100वें मंजिल में जाना है तो पहले मंजिल जैसे वो आता है तो वो लिफ्ट में और एक व्यक्ति आता है मोटा सा, और वो मोटा व्यक्ति उसको दे धनाधन मारता रहता है। मोटे व्यक्ति को 25वें में जाना है, तीसरा व्यक्ति देखता है भले भले इसको मारा जा रहा है, मारा जा रहा है और ये कुछ कह नहीं रहा है, वो सहन करता है। और 25वें मंजिल में मोटा व्यक्ति उसके ऊपर थूक के चला जाता है। पर ये जो व्यक्ति है तीसरा, अभी उसके जान में जाना, बोला आपने मोटे का क्रिया का प्रतिक्रिया क्यों नहीं किया? बोला भाई साहब मैं क्रिया का प्रतिक्रिया करता तो हो सकता है मैं 25वें मंजिल तक नहीं आता और मेरे दांत और आंख भी ना होता। मैंने सहन किया तो कम से कम मैं अभी 25 से 100 के मंजिल पे तो जा तो रहा हूं, तो सहन कर लेता है और इसमें पड़ता नहीं है। तो जब तक जियो जब तक शरीर रहेगा तब तक सहन करता रहता है। जब तक जियो तब तक सहो। जो सहेगा वो रहे सुखी रहेगा, जो नहीं सहेगा वो दुखी रहेगा। यो अंत सुखो अंतर आरामा तत् अंतर ज्योतिरेव सा योगी सा ब्रह्म निर्वाणा ब्रह्म भूत अधिगच्छति। इस प्रकार से वो जो है कैदी जो सुधर जाता है, जेलर के साथ अच्छा संबंध रहता है, वो जेल में तो रहता है पर अन्य कैदियों की तरह दुखी नहीं रहता है, वो सुखी रहता है। इसी प्रकार से शुद्ध भक्त संसार में रहता है पर वो मुक्त आत्मा की तरह रहता है। उसको पता है थोड़ी देर में शरीर छोड़ूंगा, भगवान का धाम प्राप्त करूंगा, अपने आप को कृतार्थ तो मानता है। इस प्रकार से वो जो है परम सुख को प्राप्त करता है, जनक महाराज जैसे। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषये छिन्न कल्मष छिन्न द्वेद यतात्ता मना सर्वभूत हिते रत्ता। और इस प्रकार से वो हर प्रकार के कल्मष से मुक्त हो जाता है, द्वंद से मुक्त हो जाता है, पाप से मुक्त हो जाता है। और भगवान जब भगवान के धाम में जो सुख अनुभव करता है वो जीते जी अनुभव करता है। काम क्रोध विमुक्ता नाम याति नाम यत चेतसा अभिभूत ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। इस प्रकार से उस प्रकार का सुख हम जैसे बीत राग भय क्रोध जीते जी वो राग और भय से मुक्त होता है, देह त्यागने के बाद भगवान का धाम प्राप्त करता है। कृष्ण इस प्रकार का चेतना को कैसे प्राप्त करेंगे? दो तरीके है अर्जुन, एक संन्यास का मार्ग और एक निष्काम का कर्म का मार्ग। संन्यास के मार्ग के बारे में बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ और आपका हाल बेहाल कर दूंगा, ठीक है? तो एक संन्यास के मार्ग में मन पवित्र करके वो दूर जो है जंगल में जाता है, यम नियम का पालन करता है। स्पर्शन कृत्वा बहि बाह्यान् चक्षु चैव अंतर ब्रुवो प्राप्न प्राणपानो समो कृत्वा नशा भयंतराचारिणो। और इस प्रकार से वो एक इसका विस्तार में कल के अध्याय में आएगा। वो जंगल में जाता है, एक स्थान में बैठता है, दोनों आंखों के बीच में ध्यान लगाता है और इस प्रकार से यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणा विगते च भया क्रोधो सा सदा मुक्त एव च। और धीरे 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 मन को पवित्र कर लेता है। अर्जुन कहते हैं वाह ये आइडिया अच्छा है, अब कौन गुरु का आज्ञा पालन करेगा और युद्ध करेगा और भीष्म और द्रोणाचार्य को मारे, चल मैं भी चलता हूँ। और भगवान कहते हैं दूसरा तरीका है कि तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवा उपदेश शांति थे ज्ञान ज्ञानी ने तत्व। एक गुरु के पास जाओ, उनको प्रणाम करो, उनसे सेवा करो, उनसे कथा सुनो, और उनसे कथा सुनोगे तो उनसे आपको पता लगेगा कि भगवान परम भक्त है। कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर,
और सब कुछ उनके नियंत्रण में है और वो सबके मित्र हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा सुहृद सर्वभूता नाम ज्ञाता माम शांति मृच्यति। और इस प्रकार से वो परम सुख को प्राप्त कर लेता है। ये सरल तरीका है। वो गुरु से सुनता है कि कृष्ण परम भोक्ता है, वो गोलोक वृंदावन में बांसुरी बजाता है, रास बजता है, पर कभी कभी सेठ लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं तो पीछे मैनेजर लोग माल मसाला लपेट ले गायब हो जाते हैं। फिर वो सेठ आते बोलते सब कुछ गायब, पर भगवान भोगता तो है, पर एक पत्ता भी उनके आज्ञा के बगैर हिलता नहीं। सर्वलोक महेश्वरम है, सब कुछ उनके नियंत्रण में है। अच्छा, इतना बड़ा कंट्रोलर है, इडी अमीन जैसे, हिटलर जैसे, यानी कि सबके नाक में दम करके रहेगा? नहीं, वैसे कंट्रोलर नहीं, सुहृद, वो सबके हितेशी हैं, वो सबको चाहता है। अच्छा, ऐसा अगर पता लग जाता है तो भक्त शांति को प्राप्त करते हैं। मेरे स्वामी कृष्ण भोक्ता तो है और सब कुछ उनके नियंत्रण में है, पर वो मुझे चाहता है, मेरा हित चाहता है, इसलिए शांति को प्राप्त कर लेता है। यह है शांति का फॉर्मूला, पीस फॉर्मूला इस संसार में, है ना? परम भोक्ता भगवान है और सेवा करने का अधिकार हमको है, कर्मान एव अधिकारस्ते, और भोग करने का अधिकार भगवान को है। इसीलिए हम लोग रोज गाते हैं, यही निवेदन दरो सकिर अनुगत करो सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। सेवा के अधिकारी हैं हम भगवान के दास के दास के दास हैं। तो इस प्रकार से जो है वो शुद्ध भक्त का लक्षण, शुद्ध भक्त कैसे अपने आप को संसार से बचा के रखता है, मन को भगवान में लगाता है और परम सुख को प्राप्त करता है। और ये जो भक्ति के मार्ग जो है, असली पीस फॉर्मूला है, शांति रचती पीस फॉर्मूला। इसमें भक्त जो है, गोरे काले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जू क्रिश्चन, सब जो है गोरे पीले काले नाचते हैं। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जब बन गया दूसरे विश्व महाविश्व युद्ध के बाद, तो देश में विश्व में लड़ाई बढ़ने लग गया, झंडे और ज्यादा आने लगे। पर इस्कॉन में देखा जाता है क्रिश्चन जू दोनों प्रेम से रहते हैं, वो कभी प्रेम से नहीं रह सकते, लड़ते हैं। हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं और गोरे काले साथ में नहीं रहते हैं, लड़ते हैं, पर इस्कॉन में सब साथ में रहते हैं। और जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद गोरे, ये सच बात है। फरवरी में मैं मायापुर में था, दो भक्त गोरे से आए क्योंकि मैं डंडा लेके चल रहा था, सन्यासी, तो प्रणाम किए तो मिला, आप कौन हो? बोला कहाँ से हो? तो बोला एक ने कहा रशिया से, फिर दूसरे से पूछा आप कहाँ से हो? यूक्रेन से। और रशिया और यूक्रेन का तभी लड़ाई चल रहा था और यहाँ पे देखिए दोनों साथ में साइकिल लेके गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, प्रेम से। यह है असली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार से भगवान का भक्ति में लगकर निष्काम कर्म योग के मार्ग से लंपट व्यक्ति भी परम सुख जो है, परमहंस नारद मुनि जैसे सन्यासी जो सुख अनुभव करता है, वो जनक महाराज जैसे सा निष्काम कर्म योगी भी अनुभव करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। अतः हम सबको अब जो है प्रभुपाद जी की कृपा से ये निष्काम कर्म योग मार्ग यानी कि भक्ति योग मार्ग में आने का पूरा मौका मिला है। हम सबको अब से लेकर शरीर त्यागने तक भक्ति करना है, हरि नाम करना है, प्रेम से भगवान के भक्तों के संग में अपराध रहित रहना है, अपने जीवन को सार्थक करके अपने परम सुख को अनुभव करके और अच्छे भक्त बन के औरों को भक्त बनकर गुरु और प्रभुपाद जी के यश को, ख्याति को बढ़ाकर अपने जीवन को सार्थक करना है। यह है हम सबका संकल्प। हरे कृष्णा।